स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं अपने वर को चुनना, उसका मतलब होता है स्वयंवर। तो राजा जनक ने सीता के लिए जब स्वयंवर करा तो उसमें बहुत सारे राजा महाराजा मतलब युवक राजकुमार आए थे स्वयंवर के लिए, और उनकी शर्त थी कि उनका ये था कि शिव के धनुष को जिसने भी उठा लिया उसपे उसको तो उठा लिया और उसपे बाण चलाने के लिए तैयार कर लिया तो उसके साथ सीता का स्वयंवर कर दिया जाएगा। तो उसी से उसी पर यह आधारित ये रामचरितमानस के बाल कांड का अध्याय है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जब राम जी ने धनुष उठाया तो वो धनुष टूट गया, और उस धनुष को टूटा जानकर जब परशुराम जी को पता चला कि उनका धनुष टूटा है तो वो क्रोधित होकर उसी सभा में आए और सबके साथ गुस्से में बात करने लगे। इसी का सारा वार्तालाप जो है इस पाठ में आपको, इस कविता में आपको मिलेगा। संवादात्मक शैली है, मतलब संवाद है। संवाद आप 9th में भी आपने किए थे, संवाद होता है एक दूसरे से बात करना, डिस्कशन करना। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सब ध्यान से देखो। नाथ संबुधनु भजन निहारा, कोई को एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी गुस्से में सभा में आए और उन्होंने गुस्से में क्रोध में एकदम बोला कि ये मेरे शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन है, कौन ये, किसने मेरे शिव के धनुष को तोड़ा है, तब उनका बात का जवाब जो है श्री राम जी देते हैं। वो कहते हैं नाथ मतलब हे नाथ, संबुधन संबुधन मतलब शिव का धनुष, हे नाथ ये जो शिव का धनुष है इसको जिसने भी तोड़ा है वह आपका ही कोई दास होगा। यह है पहली लाइन का अर्थ। नाथ संबुधनु भजन निहारा, कोई को एक दास तुम्हारा। दास मतलब सेवक। तो श्री राम ने उनको उत्तर दिया कि हे नाथ ये शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है वह आप ही का कोई दास होगा। मतलब इतना शक्ति भी तो होनी चाहिए किसी में कि शिव के धनुष को उठाने की शक्ति भी चाहिए। आयुष काओ कही किन मोही, सती रिसाए बोले मुनि को। रिसाई मतलब गुस्सा। अब आप मुझसे कहें आयुषु कहा कही किन मोही, अगर आपको कोई भी शिकायत है, आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे मुझे कहें। ये श्री राम जी ने उनसे कहा कि आपको कोई भी आए तो आप मुझे बात कहें, मुझे आप बताएं जो भी बात है। जब उन्होंने ये बोला सुनी रिसाए बोले मुनि को, रिसाए गुस्सा, ये सुनकर मुनि को और गुस्सा आ गया। परशुराम जी में ये बात थी कि उनको बहुत अधिक गुस्सा आता था। उन्होंने जब सुना कि रामचंद्र जी ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी आज्ञा है तो आप मुझे दीजिए, ये बात सुनकर उनको और गुस्सा चढ़ गया। सेवकु सो जो करे सेवकाय, तब उन्होंने गुस्से में बोला सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, हम सेवक उसी को बोलते हैं जो सेवा करे। अरि करनी करी करे लड़ाई, अरि करनी मतलब दुश्मन, दुश्मन जो है वह तो हमेशा लड़ाई का ही काम करता है, मतलब लड़ाई की ही बात करता है। तो ये जो शिव का धनुष जिसने भी तोड़ा है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर वो मेरा दोस्त होता मेरा सेवक होता तो मेरे धनुष को कभी भी उसको क्षति ना पहुंचाता, तोड़ता नहीं। सो बिल गाओ बिहाय समाज, नहीं अगला पहले एक सुनो। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम जो रिपु मोरा। सुनो राम ध्यान से सुनो, जिसने भी मेरा ये शिव का धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु मतलब जिसकी 1000 बाजुएं हो, ऐसा भी कोई राजा हो उसके समान मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु।
परशुराम जी बोलते हैं कि जिसने भी मेरा ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु राजा के समान मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ मतलब अलग कर दो, बिहाय समाज, जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है उसको इस समाज से, जो सभा है इसमें इतने सारे राजकुमार बैठे हैं, इस सभा में अलग कर दो। इस समाज में जो सभा बनी हुई है इसको उन्होंने एक समाज बोला कि उसको इससे अलग कर दो। इस समाज में, सभा में जो सब लोग बैठे हैं उससे बिलगाओ मतलब अलग हो जाए, वो फटाफट अलग हो जाए। ना तो मारे जे ही सब राजा, नहीं तो इस सभा में जितने भी राजा बैठे हैं वो सब मेरे हाथों से आज मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी अब माने। अब उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और उनसे बोले, ऐसी बातें जो है अच्छी नहीं लगती, क्या बातें थी जो आगे। अब वो उनसे कहते हैं कि आपको ऐसी बातें बोलनी अच्छी नहीं लगती, आप गुस्सा मत कीजिए। अब जो बातें उन्होंने बोली वो आप आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे। बहु धनुही तोरी लड़काई, कभू ना असिरिस कीनी गोसाई। गोसाई मतलब मुनिवर। हमने बचपन में, मुनिवर हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयां होती हैं लकड़ी की, पतली पतली जो धनुष बाण होते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे हमने बचपन से ही बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं। छोटी छोटी धनुइयां तो हम तोड़ते ही आए हैं, हमारे तो खेल ही यही होते थे कि हम धनुष पर तीर चढ़ाते थे और उसको चलाते थे। तब हम ऐसे ऐसे खेल खेल में कितनी ही छोटी छोटी धनुइयां टूटी हैं, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। कभू ना असिरिस को ही गुस्सा मुनिवर, तब तो आपने कभी भी गुस्सा नहीं किया। हमने बचपन में ऐसी गुस्सियां धनुइयां तोड़ी हैं। यही धनु पर ममता कही हेतु, इसी धनुष पर, इसी एक धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों, किस लिए, किस कारण। सुनी रिसाए कहे भृगुकुल केतु, और भृगुकुल के केतु, केतु मतलब ध्वजा, भृगुकुल के केतु के समान जो हैं वे कौन हैं, वे परशुराम हैं। वे क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक, नृप मतलब राजा, बालक मतलब पुत्र, राजा का पुत्र, राजा नृप मतलब राजा, बालक मतलब पुत्र। हे राजा के पुत्र, हे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनवी सम त्रिपुराधुनि विदित सकल संसार। राजकुमार तू काल के बस में होकर तू अपने वचन को संभाल नहीं पा रहा, तू मृत्यु के समीप नजर आ रही है। उनको परशुराम जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू काल के वश में है, तेरी मृत्यु तेरे बहुत समीप है, फिर से तुझे पता ही नहीं चल रहा तू क्या बोलता जा रहा है और किससे बात कर रहा है, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव का हूं। काल के वश में इसे जो कुछ बोल रहा है उस पर तेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तुझे होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। जो धनुई सम त्रिपुरादि धनु विदित सकल संसार, जो त्रिपुरारी जी का धनुष है अर्थात शिव धनुष है, उसके बारे में तो सारी दुनिया जानती है और तू इसको एक छोटी सी धनुई बता रहा है जो बच्चे खेलते हैं। एक आपका काव्यांश पूरा हो गया, इसको मैं दोबारा से एक बार समझा रही हूँ, ध्यान से सुन लो। इस काव्यांश में उस समय का वर्णन है जब सीता जी के स्वयंवर में रामचंद्र जी से परशुराम जी का धनुष टूट जाता है और परशुराम जी बड़े ही क्रोधित होकर उस सभा में आते हैं, उपस्थित होते हैं और गुस्से में आकर पूछते हैं कि ये किसने तोड़ा, ये क्या हुआ। तब उसका उत्तर श्री राम जी ने दिया कि हे नाथ, ये जो शिव धनुष है इसको आप ही के किसी दास ने तोड़ा होगा, आप ही का कोई दास है जिसने यह धनुष तोड़ा है।
आप मुझसे कहें, कोई आज्ञा है, कोई आपको जो भी काम है आप मुझसे कहें। और जब श्री राम से ये बातें सुनी तो परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए, उनको और अधिक गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में वो बोले कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, जो सेवा का काम करे। दुश्मन जो है वो हमेशा लड़ाई का ही काम करता है। जिसने भी मेरे आराध्य शिव का यह धनुष तोड़ा है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। हे राम सुनो, जिसने भी यह तोड़ा है शिव का धनुष, वह व्यक्ति सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। परशुराम जी कहते हैं कि उसको इस सभा में इतने सारे राजकुमार हैं, इस सभा में सबसे अलग वो अपने आप अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में जितने भी राजा उपस्थित हैं, राजकुमार उपस्थित हैं, वो सब मेरे हाथों से मारे जाएंगे। जब उनकी ऐसी बातें सुनी तो लक्ष्मण जी कुछ मंद मंद मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोले कि हमने तो मुनिवर बचपन में ऐसी बहुत सी धनुनिया, हमारे तो खेल होते थे, हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुनिया तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, अब इस एक धनुष पे इतना विशेष प्रेम क्यों? ऐसा क्या है इसमें जो आप इस पर इतना प्रेम दिखा रहे हैं? तो भृगुकुल के केतु, मतलब भृगुकुल की ध्वजा के समान जैसे परशुराम जी हैं, उनका व्यक्तित्व जो है बहुत ही ऊंचा है। उन्होंने बोला कि हे राजा के बालक, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तू काल के वश में है, तेरे को अपनी मृत्यु तुझे समझ नहीं आ रहा, तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है। मतलब जो परशुराम जी हैं वो अपने आप को उसका काल बता रहे हैं कि मेरे हाथों से आज तू मारा जाएगा, तो ये मृत्यु जो है मेरे, तुझे काल के वश में कुछ समझ नहीं आ रहा कि तू क्या बोल रहा है, तुझे अपने वाक्य अपने शब्दों पर कोई रोक लगानी चाहिए, तुझे इतना नहीं पता, तुझे शिव के धनुष के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि ये त्रिपुरारी जी का धनुष है और तू इसकी तुलना अपनी छोटी छोटी धुनियों से कर रहा है कि जो तूने बचपन में खेली थी। अब आगे देखते हैं हम, समझ आया बेटे यहाँ तक सबको? हाँ जी बेटे।